प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम जो है से और देव कहानी पढ़ेंगे अज्ञे की। इसका जो आगे का भाग है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो अज्ञे है उन्होंने विचार प्रदान कहानी लिखी है सेव और देव। सेव और देव कहानी में मैंने आपको बताया, कहानी का भाग हमने पढ़ा था कि कहानी में क्या है, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। यह विचार प्रदान कहानी है और इस कहानी में अज्ञे ने हमें यह संदेश दिया है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि नैतिक मूल्यों की स्थिति स्वतः स्फूर्त होती है, आरोपित नहीं। मनुष्य की आस्था उससे और अधिक नैतिक बल देती है। जिस प्रकार से प्रोफेसर गजानन देव मूर्तियों के प्रति विशेष रुचि और आस्था रखते हैं, और जब वो देवी की माता की मूर्ति चुरा करके लेकर के आते हैं और उस देवी की जो मूर्ति है उसे जब उन्हें नैतिकता का ध्यान आता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उल्टे पांव वापस उस मूर्ति को रखने जाते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पर ये जो है कहानी, इसमें नैतिकता जो है वो स्वतः ही नैतिक प्रति विशेष रुचि और आस्था है, और आस्था में बड़ी शक्ति होती है। प्रोफेसर गजानन जो है एक भूखे बालक को सेब के बाग से सेब चुराकर तोड़ने पर डांटते हैं और स्वयं मंदिर में उपस्थित उपेक्षित जो मूर्ति पड़ी हुई है माता की उसे उठा करके अपने और कोट में छिपा लेते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो जहाँ से पहले वो निकले थे सेब के बगीचों के रास्ते से, वही बगीचा रास्ते में पड़ता है और वो देखते हैं कि वही पहले वाला लड़का जो सेब की चोरी कर रहा है, वापस वही लड़का सेब की चोरी कर रहा है। यह देख कर के वे क्रोधित होते हैं और बच्चे को मारते हैं, किंतु अचानक उन्हें एहसास होता है, अनुभव होता है कि इस बच्चे ने तो केवल सेब ही चुराया है, वो तो पूरा देव स्थान ही लूट लाए हैं। यानी वो उन्होंने क्या किया था, माता की मूर्ति की चोरी की थी। यही अनुभूति उनके हृदय में नैतिकता का भाव जगा देती है। वो वापस उल्टे पांव लौटकर, यानी उसी समय लौट करके और देव स्थान पर मूर्ति को रखने जाते हैं। मूर्ति को वापस ऐसा स्थान रख कर के आते हैं, उसी स्थान पर रख के आते हैं। उन्हें अपने आप पर ग्लानि होती है और भारतीय देवी देवता जिनमें हम आस्था रखते हैं उनसे हमारे हृदय में छाया अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और नैतिक मूल्यों की स्थापना हो जाती है। आइए आगे का भाग हम पढ़ते हैं। वाला दृश्य जो अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चोरी करने पर उस बालक को पीटा गया, यानी वो बालक सेव के जो बगीचे हैं उनमें सेव तोड़ रहा था, भूखा था इसी कारण से, और किस प्रकार से प्रोफेसर गजानन ने उन्हें उस बालक को पीटा था। इससे आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर गजानन जो है मनाली गांव पहुंचते हैं और मनाली गांव पहुंचते हैं। मनाली गांव में उन्हें याद आया कि यहाँ पर एक जो मंदिर है दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। गांव के लोगों से उन्होंने पूछताछ की और वो मनु का जो प्राचीन मंदिर था, विश्व का एकमात्र मंदिर, किसका मंदिर था मनाली में, किसका मंदिर है, मनु का,
जो छोटा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन संसार भर में मनु का एकमात्र मंदिर था। यहाँ तक देहरी पर जो पुजारी बैठा हुआ था उस मंदिर के, उस बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित हो गया और आने जाने वालों का ध्यान तो उनकी ओर आकर्षित हो ही रहा था। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में पूछा, आसपास और भी कोई मंदिर है क्या? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर नहीं है। अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। बाबूजी, यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं, कभी कभी कोई आता। मनु का मंदिर देखता है। पुजारी ने कांपते हुए पूछा, कौन सा मंदिर देखिएगा बापू? और कोई मंदिर हो आसपास? सब मंदिर मूर्तियों में देखना चाहता हूँ। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है। यानी पुजारी जो है यहाँ पर प्रोफेसर गजानन को बता रहे हैं। और तो उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान है, वहाँ पहले एक किला हुआ करता था जिसके अंदर देवी के स्थान पर पूजा होती थी, पर अब वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हैं और उस मंदिर में भूत बसते हैं। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कराए लेकिन बोले, कैसे भूत? भूतों से तो मेरी दोस्ती है। कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत यहाँ रहते हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे। यहाँ पर प्रोफेसर गजानन साहब कहते हैं कि उन भूतों से तो मेरी दोस्ती है, कह करके प्रोफेसर साहब ने वहाँ जाने का रास्ता पूछा और क्षण भर सोच कर पहाड़ पर चढ़ने लगे, कहाँ जाने के लिए? माता के मंदिर जाने के लिए, जो अब बंद था और कभी वहाँ पर किला हुआ करता था। पुजारी ने पास ही बताया था तो मील भर से अधिक नहीं, 3 बजे शाम होने तक मजे में बंगले पर पहुँच जाऊँगा। जंगल का रूप बदलने लगा, जो बड़े बड़े पेड़ रास्ते में थे वो समाप्त हो गए, अब छोटी छोटी झाड़ियाँ ही वहाँ पर थी। यह पड़ाव सर्दियों में तो बर्फ की चोटें यहाँ पेड़ पौधों को कुचल डालती थी। अब प्रोफेसर साहब की समझ में आ गया कि ऊंचा शिखर किले के लिए उपयुक्त जगह है, और यह भी जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़ पर कितनी जल्दी निर्शेष रह जाएगा, यानी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। झाड़ियाँ भी छोटी होती चली। अब आगे रास्ते में बढ़ते हुए प्रोफेसर साहब ने देखा कि घास की बजाय अब पथरीली जमीन आ गई थी, जिसमें किसी तरफ कोई बनी हुई पगडंडी नहीं थी, जिधर जाओ वही मार्ग है। कहीं कहीं पर लाल पत्थर के भी कुछ टुकड़े दिख जाते थे, जो शायद किले की इमारत में कहीं लगे होंगे, नहीं तो उधर लाल पत्थर नहीं होते। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले भी वहाँ पर देखे गए, और जो गाढ़े मटमेले रंग की पत्तों वाली झाड़ियाँ थी वह आसपास के उजाड़ सूनेपन को और भी गहरा कर रही थी। अब संध्या का समय हो चुका था। ऐसी झाड़ियों को देख करके और जो स्तूप थे वहाँ पर, उनमें जो धूम्रवत निकलते हुए प्रेत की कल्पना होना असंभव बात नहीं थी। यानी जो झाड़ियाँ रेत के बीच में, उन पत्थरों के बीच में छोटी छोटी झाड़ियाँ कहीं पर उगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ भूत बसते हैं वास्तव में। एक ऐसे ही स्तूप की आड़ में प्रोफेसर साहब ने देखा कि पत्थर का
एक छोटा सा मंदिर है और वो मंदिर जो है बंद है। प्रोफेसर साहब ने उस कुंडे में यानी जो दरवाजा लगा हुआ था उस मंदिर के, तो उसके उसकी जो कुंडी थी उसमें से कील निकाली और दरवाजा खुलने के बजाय आगे गिर पड़ा। उसके कब्जे उखड़ गए। उन्होंने किवाड़ को उठाकर एक ओर रख दिया, थोड़ी देर पीछे हटकर खड़े रहे और उस मंदिर में बदबू आ रही थी क्योंकि वहाँ सील थी, सीलन थी, इसके कारण बदबू आ रही थी। प्रोफेसर साहब ने दरवाज़ा खोल दिया और भीतर देखने लगे। दरवाज़ा खोल करके रखा कि यह जो बदबू है निकल जाए। मंदिर की बुरी हालत थी, भीतर न जाने कब बलि पशुओं के सींग पड़े हुए थे। जब माता के मंदिर में बलि दी गई होगी तो वहाँ पर जिन पशुओं की बलि दी गई होगी उनके सींग बकरे के, हिरण के वहाँ पर पड़े हुए थे जो सूख करके धूल रंग के हो गए थे। उन पर कीड़े चल रहे थे। फर्श के पत्थरों के जोड़ों में काई उगाई थी। उन सींगों के ढेर से परे देवी के काले पत्थर की मूर्ति एक ओर लुढ़की हुई थी। पास में ही गणेश जी की पीतल की मूर्ति भी पड़ी हुई थी जिस पर जंग लगा हुआ था। केवल दूसरी ओर खड़ा श्वेत पत्थर का शिवलिंग अब भी साफ था, चिकना था और सिपा आसपास की जो जर्जर अवस्था थी उसे देख कर के क्रोध होकर मानो कह रहा हो, मेरी इस निवृत अंतशाला में आकर मेरे परिवार की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो, ऐसा लेखक को महसूस हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कहा गया कि मेरी इस निवृत अंतशाला में आकर मेरे कुटुंब यानी परिवार की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो। आशय स्पष्ट कीजिए या इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, क्योंकि जो मंदिर था यानी जो छोटा सा और जो देवी का मंदिर था वहाँ पर शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी और माता की मूर्ति थी, तो यहाँ पर जो ऐसे ही वीरान पड़े हुए थे और जहाँ पर बलि दी जाने वाली पशुओं के सिंग पड़े हुए थे और मूर्ति पर कीड़े रेंग रहे थे, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल शांत वातावरण था, एकांत था। तो इसीलिए ये कहा होगा कि मेरे कुटुंब मेरे परिवार की शांति भंग करने वाले तुम कौन हो, यानी कौन आ गए हो। दो एक मिनट प्रोफेसर साहब देरी पर खड़े खड़े ही इस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने वहाँ पर टंगा अपना और कोट नीचे रखा। एक बार चारों ओर देख करके उस सुनसान निर्जन यानी सुनसान पाकर भी जूते खोल देना ही उचित समझा और भीतर जाकर देवी पालन किया। हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें मंदिर में जाते समय जूते चप्पल उतारे जाते हैं, रसोई घर में जाते समय, तो यहाँ पर भी हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रोफेसर साहब जूते उतार करके मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि मूर्ति अत्यंत सुंदर थी, 500 वर्ष से कम पुरानी नहीं थी। इसी लंबी अवधि का उस पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। जो वहाँ पर देवी की मूर्ति थी वो अत्यधिक सुंदर थी और कितने साल वर्ष पुरानी थी, 500 वर्ष पुरानी। यह पड़ा तो पत्थर और चिकना करके मूर्ति को सुंदर ही बनाया गया था। मूर्ति कहीं बिकती तो 3-4 हजार से कम की नहीं होती और
यहाँ पर उपेक्षित हालत में पड़ी हुई है। न जाने कब से कोई इस मंदिर तक आया भी नहीं होगा। प्रोफेसर साहब जो है ये है किस विषय के अध्यापक है? प्रोफेसर साहब किस विषय के अध्यापक है? तो यहाँ पर ये प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की खोज में निकले थे, जो भारतीय सभ्यता है उसकी खोज में निकले थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्ववेत्ता के ये अध्यापक है, यही इनका व्यवसाय है और मनोरंजन भी हो जाता है। घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। प्रोफेसर साहब ने मंदिर में से मूर्ति उठाई और फिर देहरी पर आकर के होगी, न जाने कितनी पूजा इसने पाई होगी, कितनी बलियों के ताजे गर्म पवित्र रक्त से स्नान करके अपना देवी सौंदर्य निखारा होगा, और अब कितने वर्षों से इन रेंगते हुए कीड़ों की लंबी लंबी जिज्ञासु मूछों की ग्लानिजनक गुदगुदाहट सह रही होगी। यानी ये मूर्ति कब से उपेक्षित पड़ी हुई है। उफ, देवत्व की कितनी उपेक्षा, यह वाक्य किसने किसके लिए कहा? तो यहाँ पर यह प्रोफेसर गजानन साहब ने जो है देवी के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो देवी की मूर्ति है वो बहुत सालों से उपेक्षित पड़ी हुई थी। अब उसके जो उस पर कीड़े रेंग रहे थे और धूल मिट्टी छाई हुई थी, वहाँ पर जिन पशुओं की बलि दी जाती होगी उन पशुओं के सींग वहाँ पड़े थे। इसलिए कहा है कि देवत्व की कितनी उपेक्षा हो रही है, मानव नश्वर है, यह मर जाए और उसकी अस्थियों पर कीड़े रेंगे, समझ में आता है। लेकिन देवता पत्थर जड़ है, उसका महत्व कुछ नहीं, लेकिन मूर्ति तो देवता की है, देवत्व की निशानी है, एक भावना है, भावना जो है आदरणीय होती है। क्या ये मूर्ति यहीं पड़ी रहने के काबिल है? इन कीड़ों के लिए जिनके पास श्रद्धा को दिल नहीं, पूजने को हाथ नहीं, देखने को आंखें नहीं, छूने को त्वचा नहीं, टटोलने को ये हिलती हुई गंदी मूछें, ये मूर्ति कहीं ठिकाने से होती? कहने का इस मंदिर के प्रति आस्था होनी चाहिए थी, श्रद्धा होनी चाहिए थी। न जाने क्यों प्रोफेसर साहब ने एकाएक उस मंदिर द्वार से हटकर चारों ओर घूम करके देखा कि न जाने क्यों आसपास निर्जन पाकर तसल्ली की सांस ली और फिर वहां आकर के खड़े हो गए। निर्जन यानी सुनसान, जहां पर कोई नहीं रहता है। अब वहीं पर जो माता की मूर्ति थी उसके पास ही गणेश की भी मूर्ति थी, गणेश जी की भी, लेकिन वह उतनी नहीं, न इतनी सुंदर बनी हुई थी जितनी की माता की मूर्ति, देवी की मूर्ति बनी हुई थी। तो आज का ये भाग इतना ही, और आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।